वालेकुम जी आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे हाँ जी सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल बॉडी केयर प्रोडक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं अफोर्डेबल बॉडी केयर रूटीन और मैं आपके साथ मल्टीपल ऑप्शंस भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी चॉइस के हिसाब से बजट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ कर सकें ओके जी सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो बट उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आजकल वीडियोज़ पर इंगेजमेंट uh, बहुत लो आ रही है कॉमेंट्स व्यूज़ जो भी हैं इन ऐसा क्यों हो रहा है एंड आई एम वेरी सैड अबाउट दैट सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली कजन्स जो भी आप जिसको भी जानते हो उनसे शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियोज़ को चैनल को और इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जिएगा मेरी वीडियोस पूरी देखिएगा विदाउट स्किपिंग एट सीरियसली दैट वुड मीन अलॉड टू मी आपको पता है हम अपनी बॉडी की स्किन को कितना निगलेक्ट करते हैं क्योंकि हम फेस पे कितना कुछ यूज़ कर रहे होते हैं फेस वॉश सिरम मास्क स्क्रब मॉइस्चराइजर एंड वॉट नॉट और वहीं पर हम बॉडी की स्किन बिल्कुल भूल जाते हैं बस हम शावर लेते हैं सब उनसे बाहर आके बिल्कुल भूल जाते हैं कि इसको मॉइस्चराइज करना है हाइड्रेट करना है बिल्डअप रिमूव करना है सब भूल जाते हैं तो आपके साथ में आज बजट फ्रेंडली कुछ ऑप्शंस भी शेयर करूँगी आपको गाइड भी शेयर करूंगी अगर आप दिखदार हो कि आपने कौन सी बस दो तीन चीज़ें यूज़ करनी है और इसके अलावा थोड़ी सी हाइजीन टिप्स भी दूँगी आपको मैं लास्ट में हाँ जी सो अब हमारी शावर रूटीन में सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लीनिंग का तो क्लीनिंग के लिए हमारे पास होते हैं दो ऑप्शनस एक तो आप बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सोप्स लेकिन जो हमारे मार्केट में कुछ नामी ग्रामी सोप होते हैं अगर हम वो यूज़ करें हमारी बॉडी पर तो उससे तीन चार इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं आपकी बॉडी एक्स्ट्रा 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 ड्राई और फ्लेकी हो सकती है आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं आपकी स्किन से नेचुरल ऑयल स्ट्रिप अवे हो सकता है प्लस आपकी बॉडी का स्किन का जो पी लेवल होता है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है तो मैं आपसे कुछ सोप्स की रिकमेंडेशन भी शेयर करूँगी और यहाँ पर मेरे पास ही कुछ बॉडी वॉशेस भी हैं इन चारों में से जो आपको बेहतर लगे वो कोई एक चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉडी वॉशेस को और इसमें सबसे पहले मेरे पास है ये लक्स का मैजिकल स्पेल बॉडी वॉश बहुत ही अफोर्डेबल है आपको वैसे नॉर्मल मार्केट से मिल जाता है लेकिन इसकी कॉपीज़ भी मिलती हैं तो अगर आप ऑनलाइन बाय करें तो मेक श्योर sure आप ना ही दियाफाता से बाय करो वरना ऑफलाइन आपको इम्तियाज़ सुपर मार्केट में आराम से मिल जाएगा और प्राइस इसके बहुत कम है क्वांटिटी अच्छी खासी है इसकी और अगर आप इसको लोफा से यूज़ करना होता है तो आप लोफा में थोड़ी सी क्वांटिटी लोगे ना और फिर अपने बॉडी पे इसको रब आप करोगे आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाएगी और आपकी बॉडी आराम से वॉश भी हो जाएगी मेरी तरफ से हंड्रेड एंड टेन परसेंट रिकमेंडेड है इट इज़ अमेजिंग लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है ये वाला पेयर्स का बॉडी वॉश एंड इट सेज़ के ये जो नेचुरल ऑयल से बना हुआ है अच्छा ये मुझे थोड़ा ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद स्किन ना इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं रहती जैसे नॉर्मल बॉडी वॉश या सोप यूज़ करो तो उसके बाद स्किन फटने लग जाती है फ्लेकी हो जाती है ड्राई हो जाती है लेकिन इससे ऐसा नहीं होता है प्लस इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और काफ़ी देर तक मतलब वॉश लेने के बाद ये शावर लेने के बाद भी इसकी काफ़ी अच्छी सी माइल्ड सी फ्रेगरेंस रहती है सो so, रेकमेंडेड दोनों ही मेरी तरफ़ से आपको जो बेहतर लगे आप चूज़ कर सकते हैं अच्छा इसके बाद क्लेंजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो सोप्स अगर आपको बॉडी वॉश नहीं लेना तो आप सोप ले सकते हैं सोप मेरे पास ये दोनों हैं बॉडी केयर एसेंशियल्स के और मजे की बात ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होते हैं इनके रिगार्डिंग बॉडी केयर आप चेक कर सकते हैं इनका इंस्टाग्राम का पेज ये है और आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं रीज़नेबल रेट में हैं और सारी ही चीज़ें अमेजिंगली वर्क करती हैं अच्छा जी सो सबसे पहले मेरे पास है ये इनका फेस एंड बॉडी बार विच इज़ इन कोको आर्टिशन सोप और मैं आपको खोल के अंदर से दिखा रही हूँ बहुत ही प्यारी इसकी लुक है अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ ये वीडियो मैंने शूट की थी दो मार्च को और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ थर्टी मार्च को मैं इसका सोप कंप्लीटली यूज़ कर चुकी हूँ ज़ाहिर है मैं यूज़ करके नहीं दिखा सकती थी वीडियो में क्योंकि बहुत मैसी और ऑकवर्ड लगता है इसलिए मैं शूट करके फिर मैंने यूज़ किया है तो आप सब शेयर कर रही हूँ बहुत ही माइल्ड सोप है बाकी नॉर्मल साबुनों की तरह आपकी बॉडी पे ड्राई फील नहीं कराता है काफ़ी अच्छा है इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है यूज़ करने में बहुत मजे का है रिकमेंडेड है मेरी तरफ से और इसके अलावा बॉडी केयर एसेंशल्स का ही मेरे पास एक और सोप है ये भी फ़ेस एंड बॉडी बार आप इसको फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने किया है काफ़ी अच्छा है फेस के लिए भी और ये वाला मेरे पास है ऑरेंज एंड सिनेमन सोप ये मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ऑरेंज या सिनेमन है तो फेस के लिए बहुत अच्छा है आपकी स्किन से टैन को भी रिमूव करता है तो मैं इसको फ़ेस पर अक्सर यूज़ कर रही होती हूँ अच्छा सो ये वाला जो है अंदर से आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें लिटरली स्मेल जो है आई I मीन mean, जो फ्रेगरेंस है वो सिनेमन और ऑरेंज की आ रही होती है बाकी ये भी बॉडी पे बहुत माइल्ड है बॉडी टैन को रिमूव करता है ये तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है हाँ जैसे ये चार ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं अच्छा आप इसमें से कोई सी भी एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू चाहे तो आप बॉडी वॉश ले लें चाहे तो आप सोप ले लें सारे रिकमेंडेड हैं तो so ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप शावर रूटीन का जो कि क्लीनिंग था अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे, विच इज़ एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बॉडी के लिए अक्सर लोग इसे स्किप कर देते हैं बल्कि मेजोरिटी लोग स्किप कर देते हैं सिर्फ शावर लेने से पता है क्या होता है ऊपर से जो मेल होता है या जो भी डर्ट होता है वो साफ हो जाता है लेकिन स्किन पे जो दूसरी डेड स्किन जमा हो जाती है उसको हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी को स्क्रब किया जाए और स्क्रबिंग के लिए भी आपके साथ मैं दो अलग अलग ऑप्शन शेयर कर रही हूँ सबसे पहले मेरे पास है ये बॉडी केयर एसेंशियल्स का वेप सोप प्लस स्क्रब अच्छा ये ज़्यादा मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो सोप भी काम करता है तो एक तरह से आपकी बॉडी डबल क्लेंज हो जाती है एक दफ़ा आपने बॉडी वॉश से कर लिया और एक दफ़ा इससे भी प्लस इसका टेक्सचर ओ माय गॉड आई लव इट सो 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 मच इतना कोई गोफी सा इतना कोई मजे का टेक्सचर है ना इसका ये रहा आपने देख लिया होगा अच्छा ये उपटन वेरिएंट में काफ़ी सारे और भी इसमें ऑप्शन हैं आपको पिक्चर अटैच करके दिखा दूँगी अच्छा बाकी ये आपको ओपन करके दिखा रही हूँ एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेक्स्चर इतना क्रीमी सा और इतना मज़े का टेक्स्चर है एंड फन पार्ट इज़ ये आपकी सिर्फ बॉडी नहीं आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं मैंशनड इस पे और आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं रहेगा ये इसके जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल हैं इसको मैंने सही से ट्राई किया इनफैक्ट जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सो आई एम गोइंग टू इट वेरी सोन क्योंकि जैसे ट्री हट वाले जो स्क्रब्स होते हैं उसका टेक्सचर होता है ना बहुत ही क्रीमी सा गूफी सा और काफ़ी ज़्यादा लिक्विड टाइप कंसिस्टेंसी में तो उसी तरह का टेक्सचर है अब ज़ाहिर है ट्री हट का हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड तक का मिलता है वो तो उस हिसाब से बेस्ट है मतलब पाकिस्तान में अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट बॉडी स्क्रब रहेगा यह और इसके अलावा बॉडी स्क्रब मै मैं आपको सेकंड ऑप्शन में दिखा रही हूँ इसका जार देख के आपको काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने अभी वीडियो शेयर की थी आपसे डी आई वाई बॉडी स्क्रब के नाम से तो ये वही वाला जार है इसको मैं हाफ़ यूज़ कर चुकी हूँ इसका लीवर भी रिमूव कर दिया क्योंकि वो गिला हो गया था मुझसे अच्छा सो तो ये स्क्रब की वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में यू कैन सी इट आप आराम से इसको घर पर रेडी कर सकते हो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इफ़ यू कांट बाई इट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप आराम से घर पर भी बॉडी स्क्रब बना सकते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है हाँ जी सो so ये दोनों थे ऑप्शंस बॉडी स्क्रब्स के लिए आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो जो आपके लिए अवेलेबल हो अच्छा इसके अलावा बारी है हमारे थर्ड और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की जो कि आपको बॉडी और डोर से बचाता है बॉडी में जो स्मेल आती है उससे बचाता है एंड इट इज़ बॉडी मिस्ट एंड डिओड्रेंट्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शावर के फौरन बाद आप कोई बॉडी मिस्ट लगाओ या डिओड्रेंट लगाओ उससे होता है यह आपकी स्किन में से आपकी बॉडी में से अच्छी फ्रेगरेंस आती है और अच्छी फ्रेगरेंस आती है तो आपको खुद को अच्छा फील होता है आपको सी वाइब आती है अपने आप से और हाइजीनिकली काफी इंपॉर्टेंट चीज है प्लस ये सेल्फ लव की कैटेगरी में आता है आपको खुद अच्छा फील करना चाहिए अच्छा तो इस स्टेप में आपके साथ में शेयर कर रही हूं। तीन डिफरेंट चीज़ें एक है बॉडी स्प्रे एक है बॉडी मिस्ट और एक है डिओड्रेंट या रोल ऑन हाँ जी सबसे पहले आपके साथ में शेयर कर रही हूं ये बॉडी स्प्रे जो कि है बॉडी लग्जरीज का अच्छा बॉडी स्प्रे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है मुझे भी कुछ खास नेसेसरी नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी आप बॉडी मिस्ट लगा रहे हो डिओड्रेंट लगा रहे हो परफ्यूम होती है तो मतलब क्या ही ज़रूरत है बॉडी स्प्रे की लेकिन मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ जैसे आप में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकते परफ्यूम्स या लेना नहीं चाहते कभी कभी पेरेंट्स से अलाउ भी नहीं होता किसी किसी को परफ़्यूम लेना तो आप ये बॉडी स्प्रे ट्राई कर सकते हो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है लॉन्ग लास्टिंग है सो ये है बॉडी लग्जरीज़ का बॉडी स्प्रे इन अडोरेबल इम्तियाज़ पे से बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको ट्राई करके बाय करना काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस होती हैं इसमें जब मैंने नए नई बॉडी केयर की चीज़ें स्टार्ट की थी लेना तब मैंने ली थी उस टाइम मुझे अच्छी लगती थी पर इसकी फ्रेगरेंस मुझे अब

बहुत प्रोमिनेंट नहीं है मतलब बहुत मीठी नहीं है ये बहुत ही लाइवली सी है और नाम भी इसका कुछ ऐसा ही है लाइफ एमर मुझे बहुत पसंद है आप खुद ट्राई करना इसको मतलब आप इसको स्मेल करना इम्तियाज में मिल जाएगी ये भी फिर बाय करना मुझे बहुत पसंद आई है ये इसीलिए आपसे मैं इतनी खुशी के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये बॉडी मिस्ट है आप शावर के बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हो अपनी बॉडी पर स्पेशली जो पल्स पॉइंट होते हैं जैसे नेक के पीछे आपके रेस्ट पर वहाँ पर ज़्यादा स्टे करती है तो आप ये लगा सकते हो अच्छा सो इसमें थर्ड चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निविया का नेचुरल फेयरनेस एंटीपी स्पेरेंट रोल ऑन अच्छा एंटी परस्पेरेंट बहुत सिंपली आपके परस्परेशन को यानी कि स्वेटिंग को पसीने को कंट्रोल करता है और रिड्यूस करता है तो बॉडी के जिस जिस पार्ट पे आपको लगता है पसीना आता है आप वहाँ इसको यूज कर सकते हैं सच एस अंडर आर्म्स चेस्ट पे हाथों पर किसी को पसीना आता है या बॉडी पे कहीं भी आपको लगता है पसीना है तो आप वहाँ इसको यूज कर सकते हैं पसीना नहीं आएगा प्लस इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है तो आप इसको स्पेशली बाहर जाने से पहले जरूर यूज़ किया करें बाकी शावर के बाद बहुत नेसेसरी है शॉवर के बाद यूज करने से ये होगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं सारा हो गया खुशबूदार सेक्शन हमारा कि आप अच्छा स्मेल अच्छा आप में से फ्रेग्रेंस कैसे आ सकती है सो so, अब आ रही है हमारे लास्ट स्टेप की विच इज़ मॉइस्चराइजेशन आपने शावर तो ले लिया है शावर लेके अगर आप अपनी बॉडी को अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में इचिंग हो सकती है आपके जो पोर्स होते हैं क्लॉग हो सकते हैं फ्लेकी स्किन हो जाएगी और आपकी एज से पहले आपकी बॉडी पे आपकी स्किन पे ना रिंकल जाना स्टार्ट हो जाएंगे सो मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए भी ओके okay, सो so इस पार्ट के लिए भी मेरे पास दो रिकमेंडेशन है आपके लिए जो चाहो आप इसमें से कोई एक बाय कर सकते हो सबसे पहले मेरे पास है ये मीनीसो की फ्रेग्रेंस सीरीज वाले बॉडी लोशन अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपने शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में ये दिखाया था मीनीसो uh, से मैंने जो चीज़ें जो बाय की थी उसमें से दिखाया था तो उसको दिखाने के बाद से मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आए डीएम्स आए कि अगर आपने यूज़ कर लिया हो तो प्लीज़ इसका रिव्यू बता दें लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वीडियो में दिखाऊँ तो मैंने सोचा जब बॉडी केयर शेयर करूँगी उसमें दिखाऊंगी ताकि रिलेवेंट भी लगे और अब इस वीडियो में आप इसको देख पा रहे हैं तो यानी कि अच्छा ही है ये हाँ जिस आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं आ, कुछ इस तरह से ही फ्लोरल सी क्यूट सी पैकेजिंग है मतलब वैनिटी पे रखा हुआ ही बड़ा प्यारा लगता है और इसका टेक्सचर आप मैं आपको दिखा दूँ पहले ये आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है इसके अलावा बॉडी पे बहुत लाइट वेट है क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और सबसे बेस्ट बात आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी और आपकी बॉडी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी मतलब ये नहीं है कि आपको भर भर के लगाना पड़ेगा थोड़ी सी क्वांटिटी लोगे आप अच्छे से मसाज भी हो जाएगा आपकी बॉडी पे और एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और फटफट -फट आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी और इसी वजह से ये आपका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा काफ़ी अर्से तक चलता रहेगा सो मेरी तरफ से हंड्रेड एंड टेन परसेंट रिकमेंडेड है ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई डोंट नो ये इतना फेमस क्यों नहीं है इसको भी थोड़ी हाइप मिलनी चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ है ये अच्छा तो सेकंड ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ निविया का इंटेंसिव मॉइस्चर बॉडी मिल्क आप मैं भी यूज़ करते हो या आपने कहीं ना कहीं देखा हो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजेशन के लिए सिर्फ बॉडी पर यूज़ करना है ये वाला फेस पर यूज़ नहीं करना और जो मैंने पीछे मिनिसो का दिखाया है वो भी फेस के लिए नहीं है सिर्फ बॉडी के लिए बाकी अच्छा सो ये जो निविया वाला है काफ़ी लोग कहते हैं कि निविया या वेजिन यूज़ करने से उनको फ़ील होता है उनकी स्किन डल हो रही है या ब्लैक पड़ रही है तो आई डोंट थिंक वेल्डिन वाला वैसे मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन निविया के ये वाला जो बॉडी मिल्क है ना इससे मुझे कभी नहीं फील हुआ कि बॉडी मेरी डल हो रही है या स्किन बहुत टैन हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये अगर आप सेटिसफाई नहीं हो तो आप मिनिसो वाला ट्राई कर लो दोनों काफ़ी अच्छे हैं लेकिन निविया वाला थोड़ा सा थिक है तो अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो फिर आप निविया वाला लो और अगर ड्राई नहीं है या फिर नॉर्मल है तो फिर आप मनीसो का ले सकते हैं हाँ जी सो ये थी मॉइस्चराइजेशन या बॉडी लोशन की रिकमेंडेशन अब यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं खत्म ये थी कंप्लीट बॉडी के रूटीन प्रोडक्ट्स बहुत सारे थे इसलिए आपको लग रहा है कितनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर देती हूँ स्टेप्स सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी है क्लीन करना है बॉडी को तो बॉडी वॉश या स्क्रब सेकेंड स्टेप स्क्रब थर्ड स्टेप बॉडी मिस्ट या रोल ऑनस कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस यानी कि अच्छा स्मेल करने के लिए बाकी फोर्थ और लास्ट स्टेप आपका है बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर जो भी है है. आप कह लो उसे सिंपल चार चीज़ें आपको चाहिए होंगी आपकी बॉडी के रूटीन इतनी सी होती है आराम से आप इसको यूज़ करो आपकी बॉडी काफी ग्लो करेगी और ओवरऑल काफी अच्छी और हेल्दी स्किन हो जाएगी अच्छा लास्ट में मैंने आपसे कहा था कुछ मैं टिप्स दूँगी तो कुछ मोस्ट आस क्वेश्चन होते हैं वो शेयर करूँगी सबसे पहले आप लोगों में से काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि बॉडी हेयर रिमूवल के लिए क्या करना चाहिए वैक्स बेटर है शेविंग बेटर है तो मैं आपको मैं ये कहूँगी अगर बिगनर हो ना तो आप रेजर ही करो क्योंकि स्टार्ट में आपको वैक्स बहुत टॉर्चर लगेगा तो उससे बेटर है आप शेव करो लेकिन अगर आप कर सकते हो तो कोल्ड वैक्स काफी अच्छी होती है और फेशियल हेयर के लिए फिंगर वैक्स बेटर रहती है मुझे ऐसा लगता है वैक्स यूज करने से ना हेयर रिडक्शन कम हो जा मतलब हेयर की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है मुझे ऐसा लगता है बाकी थोड़ी और रिसर्च करूँगी यूज करूँगी फिर डिटेल वीडियो भी शेयर करूंगी इस पर इंशाला वेरी सून अच्छा जैसे टीन एजर अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि हम बॉडी केयर फॉलो कर सकते हैं नहीं तो डेफिनेटली आपको भी फॉलो करनी चाहिए लेकिन बस एक स्क्रब का इशू ये है कि अगर आप टीन एजर हो तो आप वीक में सिर्फ एक बार बॉडी स्क्रब करना और अगर आप एडल्ट हैं ट्वेंटी प्लस एटीन प्लस तो आप वीक में दो बार बॉडी स्क्रब करेंगे बाकी सब कुछ सेम है वैसे ही क्लेंस करना है आपको एंटी परस्पिरेंट डिओड्रेंट भी लगाना है और बॉडी मॉइस्चराइज भी करनी है इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे डी कर देना या कॉमेंट कर देना आई विल लुक इन टू इट सो अला हाफ इज माई नेक्स्ट वीडियो आप सब अपना अपना ख्याल रखिएगा